देख रहा हूँ कोई नहीं, हम इस एक को तो मैंने खत्म कर दिया, दूसरी सीट है साइड वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अलकाइंस व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज हम ये रूम को चेकआउट कर दे रहे हैं। वैसे लगेज वगैरह हमारा नीचे चला गया है, तो आज हम जा रहे हैं उदयपुर बस से, मतलब यहाँ नाथद्वारा से हम जा रहे हैं उदयपुर बस से, फिर वहाँ पर हम घूम फिर के तब हम जाएंगे ट्रेन पकड़ेंगे मथुरा का। तो चलो चलते हैं, बाद में बताती हूँ और डिटेल। बाकी ये मेरा आज का लुक है, तो आउटफिट बहुत सुंदर है, ये मैंने यहीं से लिया है। कैसा लगा बता ना? गुची के लिए हम टॉय ले रहे हैं, क्योंकि भैया के पास बहुत सारा टॉय है, ये तो तोड़ देगा। ये क्या है? सिटी वाला, वो बजा नहीं पाएगा। तो गाइस, अभी हमने डॉग के लिए बिस्किट लिया है। इतनी ज़्यादा गर्मी में दीदी के साथ 16 सिकंदी पीने के बाद हम चले गए बस में। बस में इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बड़े पापा जामुन देने लगे। फिर यहाँ पे हमने खाना खाया, इतने दो दिन बाद अच्छा खाना खाया, क्योंकि दो दिन तीन दिन हम लोगों ने मीठा खाना खाया था, दाल मीठा, ये मीठा। बारिश होने लगी और अच्छा हुआ यार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना बस में, क्या बताऊँ। टॉफी, मेरी बहन को तो नींद आ रहा है, वैसे भी मैं कल चली जाऊँगी, तो मेरे को बहुत शांति मिलेगी। बहुत गर्मी है यहाँ। बैठ गए हैं, देखो यार मस्त एकदम एसी की हवा आ रही है, ऊपर की सीट है ना यार ऐसी रहती है, इसमें ठंडी हवा बहुत ज़्यादा आती है। मेरी बहन यहाँ पे बैठी है, मतलब हम दोनों की सीट हमेशा परफेक्ट होती है, इधर और इधर देख रहे हो। टॉफी टॉफी, ऊपर की सीट अच्छी है ना। ये देखो मेरे काका आया है, काकी यहाँ सोएगी, बाकी बड़ी मम्मी लोग सब नीचे बैठी है। डोमिनोज का पिज़्ज़ा लेके एक भैया घूम रहे थे, तो उनसे मैंने 200 रुपये में डोमिनोज का पिज़्ज़ा ले लिया, जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ के साथ अनियन पिज़्ज़ा भैया ने दिया है। ये तो मैंने पूछा रियल वाला है, तो वो बोलते हैं हाँ, साथ में उन्होंने वीडियो बनाने दिया नहीं, बट हाँ ये रियल डोमिनोज ही है, देख सकते हो आप लोग। खुशबू भी डोमिनोज तैयार है ना टॉफी, तो तुम खाने के लिए रेडी हो? देख रहे हो, वेरी एक्साइटेड चीज़। देखो मैंने एक और पिज़्ज़ा लिया है, वो मार्गरेटा वाला, देखो टॉफी खाओ। अब मैं भी खाती हूँ गाइस। गाइस अच्छा हुआ हमने डोमिनोज का पिज़्ज़ा ले लिया, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी। और ये पूरा टेस्ट डोमिनोज का है, मुझे लगा फेक होगा, वीडियो नहीं बना दे रहा, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने रियल पिज़्ज़ा दिया है यार। रियल है ना टॉफी? चाय पीनी है, सब कुछ खाना पीना है, मुँह हिला कैसे लेते हो तुम? बिजू अपा चाय मम्मी बिस्किट है क्या? मम्मी बिस्किट है, कुमड़ा का पेटा, चना छू, कुमड़ा का पेटा चाय में डुबा के खाए क्या? बात करती है मम्मी का, जो बॉय ले लिया इसने, मेरे को भी दे दो एक तो भैया। क्या बीजापा चीनी कम लग रहा है क्या? बीजापा के लिए स्पेशल चीनी डाल के बना देगा वो ऐसा। भैया मेरे को भी दे दो फीकी चाय। थैंक यू सो मच। बिस्किट लेके आओ, बिस्किट। मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है ना, मैं बार बार बोलती हूँ यार, यही कुर्ती पहन के आ गए देखो। गाइस लग रहा है भैया ने चाय मेरे लाइक बनाया, एकदम कम चीनी का, अदरक ज्यादा, मस्त चाय। तेरे को तो सभी अच्छा लगता है भाई, चाय ले लो, मुरमुरे कुरकुरे सब पी लो। ट्रेन का पहला चाय मेरे को बहुत टेस्टी लगा। टेस्टी लगा बोल सकते हो? ये क्या टेस्टी लगा? चलो यार अभी बिस्किट बिस्किट तो पापा से बात करो। गाइस अभी हम खा रहे हैं चाय बिस्किट, देखो हम खा रहे हैं चेरी। ये बदमाश ली भी नहीं चाहिए। गाइस हमने एक और पिज्जा लिया है, वो मार्गरेटा वाला, देखो। सो गाइस काकी देखो बैठ के खा रही है खाना, यहाँ दीदी और टॉफी खा रही है ना, टेस्टी खाना खा रहे ना ये लोग, मुझे देख के जलन हो रही। गाइस दिखाओ और भी कुछ दिखाओ, किससे मिलना है आपको उधर? अरे नहीं ओके, यहाँ पे कपल बोलते साइड में, तो ये लोग सब कह रहे हैं वाओ नाइस कपल, आंटी को उनका क्रीम रोल खाना था। तो मैंने वो भाभी को बोल दिया कि क्रीम रोल दे दो, फिर भी उन्होंने दिया नहीं है ना आंटी जी, नहीं बट अगर आंटी को नहीं मिला तो पेट दुखेगा ना उनका। आंटी आंटी दे नहीं रही ना, दे नहीं रही हम लास्ट मैम, आप खा लीजिए फिर हम मांग लेते हैं आपके लिए, खा लीजिए। सब बढ़िया। हाँ हम तो बोले थे देखे देखो इतना डिलीशियस था खाना, वाह खाना मेरे को नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। गाइस ये अपना खाने का थाली ले लिया, खा नहीं रही है। नहीं मेरा मन नहीं खाने का। इतना टेस्टी आप लोग खा रहे हो तो मैं देख के मन भर गया, आप लोग भी छोड़ दिए एक मिनट और खा लीजिए आप लोग, बहुत मस्त खाना है। ओके एंजॉय। आ गई थी दिल्ली, यहाँ से मैंने किया कैब और कैब से निकल पड़ी होटल के लिए थोड़ा रेस्ट और फ्रेश होने के लिए। सो गाइज मेरा आज का फ्लाइट है, मैं आ गई हूँ दिल्ली, क्योंकि दिल्ली से फ्लाइट मुझे मिली है ना, तो यहाँ दिल्ली आना पड़ गया। मम्मी और सब मथुरा चली गई हैं दर्शन वगैरह करने के लिए, तो मैं जा रही हूँ हमारी गुची से मिलने के लिए एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ स्टे करेंगे, लाइक 7 बजे की फ्लाइट है, तो
थोड़ा रेस्ट हम जा रहे हैं वसंत कुंज एम्बियंस मॉल, वहाँ पे देखती हूँ कुछ लेते हैं हम खाते पीते, बहुत भूख भी लग रही है। ये ऑटो हमने कर लिया है, भैया रुक जाएंगे मेरे लिए, फटाफट लेंगे और आ जाएंगे। आगे एम्बियंस मॉल चला गाइस, अभी पूरा पैकअप करना है। मॉल गई थी पर खा नहीं पाई क्योंकि टाइम था नहीं, फिर लेट हो जाएगा तो मेरा छूट जाएगा फ्लाइट हमेशा की तरह। चलो ये खा लेते हैं, देखो 25 का मिलता है यहाँ पे, 20 रुपए में कोलकाता में मिलता है। रेडी, चलो चलते हैं एयरपोर्ट। आज लेट नहीं होंगे क्योंकि 15 मिनट्स की दूरी पर ये होटल है, इसलिए मैंने पास वाला कर लिया, नॉर्मल सी होटल थी। कोई नहीं, 6 घंटा हमारा अच्छा बीता, नींद आ गई इतनी प्यारी। चलो अब चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे, पूरा पैक कर दिया मैंने, लेट्स गो। इसमें मैंने ना सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डाल लिए हैं, कैमरा वैमरा, इसमें मेरे यूज़ के सामान सब डाल दिए, नेल पेंट लगाऊंगी ना बैठ के, कंधे लग रहे हैं ना। अभी हम कैब में और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, वैसे 15 मिनट की दूरी पे ना, तो आज मेरा लेट भी नहीं होगा वरना फ्लाइट मिस ही हो जाती है ना हमेशा, बट आज हम टाइम से पहुँचेंगे। तो गाइज़ आज बहुत ज़्यादा लाइन है स्पाइस जेट पे, देख रहे हो कितनी लाइन है, हमें बोर्डिंग पास लेना और सामान को रखना है, इतनी ज़्यादा लाइन में कैसे कोई जाएगा वहाँ। तो मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है ना कि हम हमारी फ़्लाइट है यार, घुसने दो, बट कोई नहीं, सभी लोग कैलकटा के हैं, कोई गुवाहाटी के हैं, 640 वाले। सो गाइस आज की हालत ना पूरी पागल जैसी हो गई, स्पाइस जेट वालों ने यार पूरा एक घंटे के लाइन पे सबको खड़ा कराया, पता एक घंटे से हम वेट कर रहे थे, और उसके बाद यहाँ पे फ्लाइट भी 20 मिनट लेट है, बाकी मेरे दो कैंस खुल गए देख रहे हो। कोई नहीं, हम इस एक को तो मैंने ख़त्म कर दिया, दूसरा भी ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि जब बैग जब हमने सबमिट किया ना तो उन लोगों ने बोला कैन को खोलना पड़ेगा तभी आप लेके जा सकते हो। अब बताओ रेडबुल कौन वेस्ट करता है यार, ये तो मेरी फेवरेट है ना, एक मैंने पी लिया है, मैं सोची थी पापा के लिए लेके जाती, बट कोई नहीं, एक हमने पी लिया, एक हम फिर से पी लेंगे है ना, सही रहेगा यार, गुस्सा आ रहा है मुझे पर क्या करूँ। सोचो गाइस दोनों कैन खोलना पड़ेगा यार, दिमाग जल रहा है मेरा, पर कोई बात नहीं, बाकी सभी लोग वेट कर रहे हैं, 20 मिनट लेट है यार, 20 मिनट वेट कर रहे हैं। आ गए देखो, इंडिगो खड़े हैं, बाकी यहाँ पे देख सकते हो इतनी बड़ी जगह है ना, बाकी हम चलते हैं, हमारा बैग जहाँ पे पड़ा है, और चलते हैं 44B में, ये तो 43 आ गई है ना, वहीं पे जाकर हम आराम से बैठ जाएंगे है ना, लेट्स गो। हमारी फ्लाइट जो है वो एक घंटे डिले है, तो हम सोच रहे हैं नेल पेंट लगा ले, देखो मैंने रिमूव कर लिया है, बाकी ये वाली नेल पेंट लगाते हैं अब है ना, टाइम पास हो जाएगा यार, सभी लोग बैठ के वेट कर रहे हैं। देखो सो गाइज अभी 8:39 हो रहा है और अब जाकर फ्लाइट आई है, कितने देर से सब वेट कर रहे थे पता है। सीट है साइड वाली है, विंडो सीट नहीं है गाइस, कोई नहीं, अभी फ्लाइट पर अभी जल्दी जल्दी घर जाते हैं और गुची से मिलते हैं। मुझे तो रात की फ़्लाइट बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद मैंने कैश्यू लिया एकदम मस्त नमक वाली, यहाँ पे मैंने रेडी टू ईट पास्ता लिया जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थी। सो मैगी अच्छी नहीं लगती मुझे, नूडल्स भी अच्छी नहीं लगती रेडी टू ईट, बट पास्ता बहुत ज़्यादा क्रीमी एंड टेस्टी था। तो यहाँ पे आई गेस लोगों के मुँह में पानी आ गया होगा गाइस, यहाँ पे अंधेरा हो गया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फाइनली खाकर मुझे बहुत अच्छा लगा यार, पता सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, बस एक लेज की पैकेट खाई थी यार, निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, दिल्ली में भी इतनी ज़्यादा धूप थी ना। कोई नहीं, अभी मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, इतनी भूख लगी थी कि मुझे पास्ता बहुत टेस्टी लगा यार, पहली बार रेडी टू ईट वाली ना, तो अभी तो टाइम है, चलो घर आएगा तो खाना पैक करा कर लेके चलेंगे है ना। पापा भी शायद कुछ खाए नहीं होंगे क्योंकि घर पे बनाने वाला कोई है नहीं ना, मम्मी और बहन तो सब मथुरा में दर्शन करने गए हैं, बाकी ये गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं कोलकाता, मेरी खुशी इतनी ज़्यादा ना गुची से मिलने की, कुछ तो बात है, मेरी बात सुनते हाँ देखे वहाँ तो गर्मी भरी पड़ी है, बताए ये कौन है, गुची है क्या ये, हाँ खोला हुआ गेट तो बोल दो, गुची हटो 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 गुची, अरे खोल दो ना पापा यार जल्दी। अले मेरी गुजू गुजू, चल चलो चलो आ गुची, चीजी लाएंगे आओ, टॉय लाए थी तू, टॉय लाई आओ, टॉय देंगे आओ, लल्ला लल्ला टॉय लाई थी तू न्यू वाली गुच्चू, दीदू को याद किया मिशी मिशी की गुच्चू, अरे 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 कुली 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 कुली
सो गाइस, मैंने सुना ही था दिल्ली पे स्कैम होता है और इस बार सच में मेरे साथ हो भी गया। वैसे मैं होटल से कैब करके, मतलब ओला करके मैं जा रही थी एयरपोर्ट तक, तो 3 नंबर पे आने वाला था मेरा फ्लाइट। सो मैंने बुक किया था 3 नंबर पे, 15 मिनट्स की दूरी था मेरा होटल से एयरपोर्ट। तो भैया ने ना यार एयरपोर्ट 1 पे उतार दिया मुझे, कहते डिटेल्स में 1 दिखा रहा है। और मैंने अपना कैब जब फ़ोन करके फ़ोन चेक किया तो मेरा ओला में शो ही नहीं कर रहा है कि मैंने क्या डाला था और कौन से लोकेशन पे डाला था। तो भैया कह रहे देखो मेरे पे तो शो कर रहा है ना 1 दिखा रहा है। तो मैंने बोला भैया फ्लाइट छूट जाएगी, अब 3 पे लेके चलो ना। तो बोला 400 लगेगा, देखो 400 दिखा रहा है। मैंने बोला ठीक है 400 ले लेना, मतलब टोटल 500 ले लेना, आप उतार दो। तो भैया 3 पे उतार के मुझे टोल चार्जेस पकड़ाते हैं जिसमें 200 रुपये का टोल चार्जेस रहता है, मतलब टोटल बिल मेरा 700 रुपये का भैया बनाकर मुझे दे देते हैं। मैं तो शॉक्ड हो गया, मैंने 15 मिनट के रास्ते पे 150 रुपये दिखा रहा था, ऊपर से भैया ने 400 रुपये 3 नंबर का लिया, कोई डिटेल शो नहीं कर रहा, मतलब ये मेरे साथ स्कैम कर रहे हैं। मैंने बोला कि अपनी एक दोस्त को कॉल किया, मैंने बोला ऐसा ऐसा बात है, उसने बताया कि ये भैया तेरे साथ स्कैम कर रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि तू नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने भैया को बोला एक टोल चार्जेस तो मैं दूंगी नहीं, आपके मेहनत का 500 रुपये जो है वो मैं आपको दे दूंगी। तो भैया वो भी मेरे साथ स्कैम ही था, मतलब 500 रुपये टोटल उन्होंने जानबूझकर बनाया, कुछ गेम खेल दिया था मेरे साथ। बट ठीक है, मैंने बोला ठीक है आप 500 ले लो। भैया मानने को रेडी नहीं, कहते मेरे को मेरा मेहनत का पूरा पैसा चाहिए, 700 रुपये चाहिए। मैंने बोला पुलिस के पास चलो, पुलिस बोलता है तो 700 दे दूंगी वरना मैं आपको एक पैसे नहीं दूंगी। अब वो डर गया, कहता नहीं नहीं मैम जितने होते हैं छोड़ो, आप मेरे मेहनत का नहीं दे रहे हो, 500 दे दो, छोड़ो आप छोड़ते हैं बात करते हैं। मैंने बोला नहीं पुलिस के पास लो, वो जाने को रेडी नहीं है। मैंने उसको, मेरा फ्लाइट भी मिस हो जाता, मैंने उसको 500 रुपये दिया और मैं निकल पड़ी। और जब गई तो पता चला मेरे एयरपोर्ट पे फ्लाइट भी इतना लेट था, बट फ्लाइट मिस भी नहीं कर सकती थी। तो जो मेरे साथ स्कैम हुआ आपके साथ ना हो, तो दिल्ली पे आप अलर्ट रहना, बहुत स्कैम करते हैं लोग यार, कैब वाले भी ओला वाले भी स्कैम करते हैं। मैं तो पहली बार सुन के शॉक्ड हो गई। सो हर जगह स्कैम होता है, लेकिन आपको अलर्ट रहना, जैसे अब नेक्स्ट टाइम से मैं भी अलर्ट रहूंगी, मेरे साथ ऐसा ना हो, इसलिए जल्दी निकलूंगी। और फिर कोई ऐसा करे तो पुलिस के पास जाओ।